सब्सक्राइब कीजिए नंबर वन प्रॉपर्टी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे फ्लैट दिखाने वाला हूँ जो कि 1 RK का है और 1 BHK का भी दिखाऊंगा। हो सकता है इस वीडियो में दिखा दूं या तो दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा। रेडी में है, वॉशिंग रिसिप्ट है, वाटर फैसिलिटी 24 आवर्स है और पीने का पानी भी 3-4 घंटा मिल जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर्ली आपको 24 आवर्स मिलेगा और CCTV भी है। इसके अलावा पार्किंग भी अवेलेबल है, फ्री पार्किंग है और अभी अगर लेते हो तो मेंटेनेंस भी फ्री है, ये ऑफर चल रहा है। इसके अलावा और एक ऑफर के बारे में बता देता हूँ, अगर आप स्पॉट बुकिंग करते हो, फर्स्ट विजिट में करते हो, तो आप लोगों को फैन लाइट वगैरह लगा के दे दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरा। ये 400 स्क्वायर फीट का 1 RK का फ्लैट है, आप एक बार देख लीजिए। इसका ये हॉल है, हॉल का एरिया काफी स्पेशियस है। ये देखिए इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बालकनी भी मिल रहा है। ये देखिए कम से कम 3 फीट का बालकनी है ये, और इधर का ओपन व्यू मिल रहा है पूरा। यहाँ पे सामने कुछ नहीं आएगा, ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे पार्क बनेगा। और यहाँ पे जो व्यू देखिए आप, आज बहुत ज़्यादा फोगी है हर तरफ, आज पूरा सनलाइट आया ही नहीं पूरा दिन में, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलता है। इसके अलावा इधर जो पहाड़ देख रहे हो, ये माथेरन का पहाड़ है, माउंटेन है, अभी देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है, लेकिन अब धूप आ जाएगा तब देखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। हाइट देखिए आप, हाइट भी बहुत अच्छा है और इसका जो क्वालिटी है ना ये बहुत बढ़िया है। अगर डोर की बात किया जाए तो आप देख सकते हो इसका थिकनेस ही कर देते हैं। इसका थिकनेस देखिए, ये एकदम हार्ड वुडन है। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देख सकते हो आप, प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया। यहाँ पे देखिए MCB लगा हुआ है, यहाँ पे TV का भी वो बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा बाहर आइए, ये जो स्पेशियस पसेज एरिया देखिए, सिर्फ 3 फ्लैट है इस फ्लोर पे, जो 1 BHK एक 1 RK का है, ठीक है। इसके अलावा सीढ़ी देखिए, सीढ़ी का जो क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया ये बहुत अच्छा है, साइज भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कोई भी बिल्डर यानी कि बहुत कम बिल्डर, 1 या 2% बिल्डर ऐसा होगा जो पैसेज को भी ऐसा टाइल्स से सजाएगा। देखिए आप, पूरा टाइल्स लगा हुआ है इस तरफ, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे वॉश बेसिन भी है, पानी 24 आवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए टॉयलेट बाथरूम भी अलग अलग है, ये बाथरूम का स्पेस है, बाथरूम काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो फिटिंग्स यूज़ किया गया है वो देखने लायक है, आप देख सकते हो ये शावर है। यहाँ पे आपको गीजर का भी अलग बोर्ड दिया हुआ है, इसके अलावा गीजर का पॉइंट भी लगा हुआ है। इधर देख सकते हो आप, ये जो फिटिंग से नल का बहुत अच्छा है और फोल टाइल्स है, वेंटिलेशन भी अवेलेबल है, देख सकते हो आप। ये देखिए डक्ट एरिया उस तरफ है। चलिए टॉयलेट देख लेते हैं, ये देख सकते हो टॉयलेट है। टॉयलेट में आपको ये पुश बटन वाला टॉयलेट मिल रहा है, इधर देखिए पुश बटन वाला। आप ये जो पुश बटन वाला जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ा बड़ा टावर में भी आप जाएंगे बहुत पैसा खर्चेंगे, लेकिन ये सब बिल्डर नहीं देते हैं। आपको यहाँ पे बहुत लो बजट में इस बिल्डिंग में मिल रहा है। और बाकी टाइल्स का क्वालिटी देख सकते हो आप, यहाँ पे हर एक चीज क्वालिटी का मिल जाएगा। किचन का स्पेस देखिए, 400 एरिया में इतना बड़ा किचन मिल रहा है, इनकी लोडिंग बहुत कम है और फुल टाइल्स है। आप एक तरफ देखिए, पूरा हर तरफ देख सकते हो फुल टाइल्स है, वेंटिलेशन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप वो बना सकते हो, ट्रॉली बना सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो आप, तो मस्त है और इसका साइज भी अच्छा है। और यहाँ पे आप लोगों को वॉश बेसिन मिल रहा है, पानी अवेलेबल है और फुल टाइल्स है, एक डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे भी बालकनी मिल रहा है, बालकनी में आप लोगों को वाटर आउटलेट भी मिल रहा है, मिल जाएगा। ये देखिए वॉशिंग मशीन रख सकते हो, ये व्यू देखने को मिल जाएगा आपको, ओपन व्यू है, यहाँ पे पार्क आएगा। और इस तरफ देखेंगे तो अपना ही बिल्डिंग है, दूसरा बिल्डिंग में भी नीचे स्टील पार्किंग अवेलेबल है, स्टील पार्किंग फ्री है। आप किसी भी बिल्डिंग में जाओगे, किसी भी सोसाइटी में जाओगे, ओपन पार्किंग फ्री मिल जाएगा, लेकिन स्टील पार्किंग जो है वो फ्री में नहीं मिलेगा आपको, 50,000 से 1,00,000 तक बाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम फ्री दे रहे हैं, तो बहुत एडवांटेज है। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का भी पॉइंट है, पार्किंग करना, यहाँ पे आप इन्वर्टर मशीन रख सकते हो, बैटरी रख सकते हो, वो भी ओके है एकदम, सिर्फ मशीन लेके लगाना है आपको। बाकी यहाँ पे बहुत प्रीमियम क्वालिटी का ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यहाँ पे भी एक पावर बोर्ड लगा हुआ है, ग्राइंडर मशीन आप यूज लगा सकते हो। यहाँ पे फ्रिज का स्पेस है और ये फ्रिज का बोर्ड है, ठीक है। तो ये जो टोटल 400 एरिया का जो फ्लैट है, इसका रेट आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ये 13.5 लाख में हम दे रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव, स्टंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और लीगल फीस सब लगा के ऑल इंक्लूसिव 13.5 लाख का पैकेज है। आप लोग आइए, थोड़ा नेगोशिएट भी करेंगे, और स्पॉट बुकिंग करते हो तो आपको फैन भी मिल जाएगा, लाइट भी मिल जाएगा, सिर्फ रहने के लिए आपको आना है, ठीक है। तो ये फ्लैट मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग इसके लिए इंक्वायरी कीजिए।
और इसके अलावा मेरे पास टेरिस इसी बिल्डिंग में टेरिस फ्लैट भी है, और वहाँ पे आपको बड़ा बड़ा 1 acre भी मिलेगा, टेरिस फ्लैट भी मिलेगा और 1 BHK भी मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए आप पूरा एरिया, एक बार देख लीजिए। ये है टॉयलेट, इंडिविजुअल टॉयलेट, ये बाथरूम, ये ऊपर का स्पेस देखिए। यहाँ पे जो है ये ओपन स्पेस है दोनों तरफ। यहाँ पे आपको टैंकी लगाने का कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्टोरेज मतलब वो लगा सकते हो, स्लाइड निकाल के आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो, कोई टंकी लगाने का जरूरत नहीं है। और बाकी ये स्पेस आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है ये बहुत प्रीमियम फ्लैट है, लेकिन आपको 13.5 लाख का बजट में मिल रहा है, वो भी नेगोशिएबल है। और इसके साथ आपको सब फ्री भी है, मेंटेनेंस भी फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, ठीक है। और बाकी फैन लाइट वगैरह हम लगा के दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।